सप्लाई वोल्टेजेस डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें जो बात हम डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि भाई सप्लाई वोल्टेज एक्चुअली डिफाइन करती है लिमिट्स फॉर दी आउटपुट्स में, कि भाई हमारे पास जो आउटपुट है वो मैक्सिमम किन वैल्यूज तक जा सकता है, तो वो एक्चुअली हमारी जो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई है ये डिफाइन कर रही होती है। अभी स्टार्टिंग में मैंने यही बात बताई थी कि जो पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज हैं ये एक्चुअली ये बताएंगे कि हमारे पास लेट से अगर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आउटपुट मेरे पास पॉजिटिव आएगा, बट अब वो आउटपुट जो पॉजिटिव आएगा वो मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकता है, तो वो ये पॉजिटिव सप्लाई बताएगी। अगर पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट है तो मैक्सिमम आउटपुट हमारे पास एग्जैक्ट 5 तो नहीं बट समथिंग समवेयर अराउंड 5 ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सप्लाई की बात करें तो ये हमारे पास नेगेटिव लिमिट बता रही होती है आउटपुट वोल्टेज की, कि अगर हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस नेगेटिव में आता है तो अब आउटपुट क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आ रहा होगा तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो वो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव सप्लाई डिसाइड करेगी। कि अगर नेगेटिव सप्लाई -5 की है तो आपका मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो समवेयर अराउंड -5 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम इस सेकंड सर्किट को देखें तो यहाँ पे एक तरफ तो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और दूसरी तरफ ग्राउंड हुआ है, तो इस सिनेरियो में अगर हम आउटपुट की बात करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइड पे ही शो हो रहा होगा, और नेगेटिव साइड पे हमारे पास अगर देखा जाए आउटपुट को तो वो जीरो आएगा, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव नेगेटिव सप्लाई। इसी तरह जब हम आउटपुट वोल्टेज स्विंग की बात कर रहे हैं तो जैसे कि अभी एक चीज़ मैंने बताई कि हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्ट 5 वोल्ट या जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई है उस तक रीच नहीं करता, बट यस उसके करीब करीब रीच कर रहा होता है। बट उसके अलावा भी हमारे पास इसके बहुत से इसके रीजंस आ जाते हैं कि क्यों वो एग्जैक्ट 5 वोल्ट तक नहीं रीच कर रहा होता। उसका जो सबसे बेसिक हमारे पास रीज़न आ रहा है वो ये होता है कि जब हम बात कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज की तो वो क्योंकि डिफरेंट स्टेप से प्रोसेस होता हुआ आउटपुट पे आता है, तो अब मैं जो भी वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो भी किसी सर्किट से पास होता हुआ क्या होगा टूवर्ड्स आउटपुट आ रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरनल जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही होती है किसी भी सर्किट में वो क्या करती है, वो कुछ ना कुछ वोल्टेज अपने ऊपर ड्रॉप कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई के इक्विवेलेंट नहीं आती एट एनी केस। उसके अलावा एक और चीज़ जो आउटपुट वोल्टेज से डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है वो है लोड रेजिस्टेंस। अगर लोड रेजिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10K है, तो अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक ओपैम है जिसके जिसके ऊपर हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं 15 वोल्ट, प्लस माइनस 15 वोल्ट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर लोड रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 10K है तो हमारे पास आउटपुट अराउंड 14 वोल्ट आएगा, प्लस माइनस 14 वोल्ट। और अगर लोड रेजिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2K है तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस 13 वोल्ट आ रहा होगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं डिफरेंट
जिसकी बेस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की रीच कर रही होगी। ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, बट ये एक लिमिट डिफाइन हो रही है कि अगर आपका गेन, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, सप्लाई वोल्टेज पे। और सप्लाई वोल्टेज पे जब डिपेंड कर रही होती है, तो वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू का भी रोल आता है कि अगर हायर लोड रेजिस्टेंस है तो हमारे पास जो वोल्टेज ट्रांसफर होगा वो भी मैक्सिमम होगा, बट स्टिल वो वैल्यू पॉजिटिव सप्लाई या नेगेटिव सप्लाई के इक्विवेलेंट नहीं होगा, बट उससे स्लाइटली लोअर ही कंसिडर हो रहा होगा। अब यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट थ्रू ग्राफ डिफाइन करा हुआ है कि जिस तरह से हमारे पास लूप रेजिस्टेंस वेरी कर रही होगी, तो उसके रेफरेंस से हमारा जो आउटपुट होगा वो किस तरह वर्क करेगा। तो अगर हमारे पास लूप रेजिस्टेंस की हम बात करें, तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस वैल्यू। एट दिस पॉइंट अगर हम देखते हैं, अगर लूप रेजिस्टेंस बिल्कुल नियरली इक्वल टू जीरो भी आ रही है, तो हमारे पास पीक टू पीक आउटपुट स्विंग जो होगी वो 8 वोल्ट की होगी। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो व्हाट वी कैन सी कि हमारे पास पीक टू पीक वोल्टेज भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि एट 10 किलो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज पीक टू पीक आ रहे हैं, विच इज 28 वोल्ट। इट मीन्स पीक वैल्यू इसकी आ रही है 14 वोल्ट। तो ये हमारे पास एक पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज ग्राफ है, जिसके अंदर हम विद रेफरेंस टू रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पे पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज किस तरह से वेरी करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि आरएल हमारे पास इन केस, अगर यहाँ पे हमारे पास आरएल की वैल्यू मैक्सिमम लिखे गए थे 10 किलो तक, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आरएल हमारे पास फिक्स्ड है एट 2 किलो ओम। इस सिनेरियो में हमारे पास वोल्टेज कैसे वेरी करेगा? तो जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है, ये उसी के हिसाब से क्या होगा, अपने आप को चेंज कर रहा होगा। तो जितना जितनी सप्लाई वोल्टेज में चेंज आएगा, उतना ही अपने आप को वेरी करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बात करें 20 वोल्ट की, एट दिस पॉइंट पीक टू पीक वोल्टेज हमारे पास आ रहा है 36, यानी कि एट 20 वोल्ट आउटपुट हमारे पास मैक्सिमम आ रहा होगा पीक वैल्यू 18 वोल्ट। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शन है जब हम बात कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज स्विंग की विद रेफरेंस टू लोड रेजिस्टेंस। अब ये जो कंडीशन अभी यहाँ पे हमने डिस्कस करी है, इट इज एप्लीकेबल टू एनी 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अच्छा, अब जो प्रीवियस हमने स्लाइड में एक चीज नोट की कि अगर हमारे पास लूप रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 10 के है, तो जो भी सप्लाई वोल्टेज था उससे एक वैल्यू कम हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आता था। तो हमने इसी बात को यहाँ समराइज कर दिया कि इन केस लूप रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 किलो, देन वी हैव मैक्सिमम पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी 1 वोल्ट लेस देन सप्लाई वोल्टेज, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई -1 वोल्ट। और इसी तरह नेगेटिव साइड पे आएंगे, तो वहाँ पे हमारे पास भी यही होगा कि नेगेटिव सप्लाई में अगर हमारे पास मैक्सिमम 15 है, तो ग्रेटर देन 10 किलो पे हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आएगा -14, क्योंकि यहाँ पे -15 +1 करें तो -14 आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास लूप रेजिस्टेंस लेस देन 10 के है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किलो है, उस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल सप्लाई का
प्लस माइनस 2 वोल्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर लोड रेजिस्टेंस 2 किलो से 10 किलो तक आ रही है, तो वहां पे हमारे पास अगर सप्लाई 15 वोल्ट की है तो आउटपुट हमारे पास आएगा 13 वोल्ट। और इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव में सप्लाई की अगर हम बात करें, और नेगेटिव सप्लाई हमारे पास अगर लेट से मैं कहता हूँ -15 है, तो आउटपुट में -15 प्लस 2 मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि -15 प्लस 2 -13 वोल्ट। इसी तरह यहाँ पे ये जो सर्किट दिया हुआ है, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सप्लाई आ रही है 10 वोल्ट की, इट मीन्स 10 वोल्ट की सप्लाई है, और लोड रेजिस्टेंस अगर हमारे पास 2 किलो है, 2 किलो से 10 किलो के अंडर अगर आ रही है, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 8 वोल्ट। और अगर 10 किलो से अबव है RL, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा 9 वोल्ट मैक्सिमम। यहाँ पे इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, जिसमें वी हैव टू फाइंड आउट पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन हमें प्रोवाइडेड है कितना, 150, और इनपुट वोल्टेज पीक टू पीक हमें प्रोवाइडेड है 100 मिली वोल्ट। वी हैव टू फाइंड आउट पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज। तो वोल्टेज गेन का हमारे पास फॉर्मूला था ए वी इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन, यानी कि वी आउट बराबर हो गया ए वी इंटू वी इन। इट मीन्स ए वी 150 है और वी इन है हमारे पास 100 मिली वोल्ट पीक टू पीक। तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया 15 वोल्ट पीक टू पीक। अब इसमें एक और जो चीज पूछी हुई थी वो थी फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज फॉर दिस एम्पलीफायर। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज की अगर हम बात करें, क्योंकि RL हमारे पास 10 किलो है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी आउटपुट की, वो हमारे पास +10 और +9 और -9 तक जा सकती है, बिकॉज RL हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 किलो है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 किलो है, तो हमारे पास जो एक्चुअल वोल्टेज था उसमें से हम क्या कर रहे थे, 1 माइनस कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम पीक वैल्यू पॉजिटिव साइड +9 जाएगी, और मैक्सिमम पीक वैल्यू नेगेटिव साइड हमारे पास -9 वोल्ट जा सकती है। तो ये हमारे पास इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन था इस एग्जांपल का। इसमें हमसे दो चीज़ें पूछी हुई थी, फर्स्ट था कि फाइंड आउट पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज, और सेकंड चीज़ जो हमसे यहाँ फाइंड आउट करने को बोला था वो था हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमें बोला हुआ है दैट फाइंड आउट मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू फॉर वी एन। इसके अलावा वोल्टेज गेन हमें प्रोवाइडेड है विच इज 200। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव लोड रेजिस्टेंस अवेलेबल विच इज 5 किलो ओम, यानी कि लोड रेजिस्टेंस हमारे पास 2 से 10 किलो की रेंज में आ रही है। इट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे +4 और -4 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा हमारे पास वैल्यू आउटपुट पे नहीं आ सकती। अब यहाँ पे जो चीज़ फाइंड आउट करने को बोला है वो है मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू फॉर वी इन। तो मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू ऑफ वी इन की अगर हम बात करें, तो अब जब मेरे पास ये वी इन कनेक्टेड है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे, यानी कि अब यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू की बात करूँगा, तो क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट आएगा 4 वोल्ट, उसके हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो विद रेफरेंस टू अगर हम गेन इसको देखते हैं, 200 अगर हमारे पास गेन आ रहा है, और मैं यहाँ कह देता हूँ कि वी आउट मेरे पास है 4 वोल्ट, तो जो हमारे पास यहाँ पे वी
वे आउट का फॉर्मूला था विच इज ए वी इंटू वी इन। अब यहाँ वी इन फाइंड आउट करने को बोला है, वी आउट की जगह मैं मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूँ विच इज 4 वोल्ट, ए वी है 200, सो 4/200 जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली बराबर होगी हमारे पास वी एन के, यानी कि 4/200 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगी 1/50। तो ये हमारे पास मैक्सिमम अलाउेबल इनपुट वोल्टेज होगा जो कि हम इस सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर मैं इनपुट वोल्टेज यहाँ दे भी दूँ तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ बोल दिया जाए कि इस लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके 20 किलो कर दिया है, उस सिनेरियो में मैक्सिमम पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो उसके लिए फिर अब हम मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, पीक टू पीक वैल्यू अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 10 वोल्ट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू जो है वो 5 वोल्ट आएगी, बिकॉज आर एल जो है वो ग्रेटर देन 10 किलो होगा। तो इस एग्जाम्पल के रेफरेंस से अगर हम यहाँ बात करें तो इधर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 5 वोल्ट आ रही होगी। बाकी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा वी आउट का इक्वल टू ए वी वी इन वाला, और कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इन दिस एग्जांपल हमें बोला हुआ है वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस गिवन सर्किट, और उसके अलावा वी हैव एन आउटपुट लिमिट्स फॉर ओपैम जो कि हमें इस ग्राफ से नज़र आ रही है। तो हम इस ग्राफ से अगर हम देखते हैं तो क्योंकि हमें मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की बात की है तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमारे पास एट 10 किलो आ रहा होगा 26 वोल्ट पीक टू पीक। अब जब 26 वोल्ट पीक टू पीक हमारे पास आ रहा है और हमारे पास वोल्टेज गेन भी प्रोवाइडेड है कितना 121, तो हम इसके रेफरेंस से यहाँ पे इजीली आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास 3 different circuits दिए हुए हैं एंड ऑल ऑफ 3 हैव डिफरेंट वोल्टेज गेन्स, डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास क्योंकि नेगेटिव इन्वर्टिंग इनपुट दिया हुआ है तो इधर हमारे पास फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा, यानी कि 15.13 और 15.14 में। बट जब हम बात करेंगे 15.15 की तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इन्वर्टिंग इनपुट पे कोई सप्लाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट को अगर हम कंसिडर करें तो इधर हमारे पास कोई फेज शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगा। उसके अलावा एक चीज और यहाँ नोट करें तो फिगर 15.13 और 15.14 इन दोनों के अंदर हमारे पास जो भी हम सप्लाई दे रहे होंगे वो आउटपुट पे अपोजिट आएगी बिकॉज हम इन्वर्टिंग इनपुट से दे रहे हैं, और यही सेम ऑपरेशन हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में भी परफॉर्म कर रहे होते थे। तो भाई हम जो यहाँ पे इनपुट दे रहे होते थे वो हमारे पास आउटपुट पे क्या हो जाता था, अपोजिट हो जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जो फिगर 15.13 एंड 14 है ये एक्चुअली कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ तक तो हमने बात कर ली इसके इनपुट आउटपुट के रेफरेंस से कि भाई हमारे पास वोल्टेजेस में क्या डिफरेंस आ सकता है, इफेक्ट ऑफ लोड रेजिस्टेंस क्या है वो हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस
कर लिया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि हमारे पास जो इनपुट आ रहा था वो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के डिफरेंस से आ रहा था, तो इंटरनली हमारे पास यहाँ पे देयर मस्ट बी एन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस तरह का था और उसकी वर्किंग क्या थी, तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि हमने ओपैम के अंदर ये तो देख लिया कि हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के थ्रू सिग्नल आगे ट्रेवल कर रहा था, एंड देन वो ही सिग्नल उसका उनका जो डिफरेंस था वो आगे आके हमारे पास वी आउट प्रोड्यूस कर रहा था। अब इंटरनली देख लेते हैं कि वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस तरह से वर्क कर रहा होगा। तो दिस इज दी बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स नजर आ रहे हैं BJT, जिसमें Q1 जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट को रेफर कर रहा है और Q2 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को रेफर कर रहा है। देखा जाए तो Q1 और Q2 दोनों सेम ट्रांजिस्टर्स हैं, तो इसी वजह से इन दोनों की जो ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी वो भी आइडेंटिकल होंगी। अब यहाँ पे क्योंकि सेम क्वालिटीज दोनों ट्रांजिस्टर पोजेस कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ IE1 की और IE2 की, तो अगर सेम इनपुट्स हम दे रहे हों, यहाँ क्या है हम बेस पे ग्राउंड एक प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सिनेरियो में हमारे पास जो भी VCC होगा वो ट्रेवल करते हुए हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट पे IE1 और यहाँ पे IE2 प्रोड्यूस हो रहा होगा। ये दोनों करंट्स अगर हम देखते हैं तो दे बोथ आर सेम इन वैल्यूज, और जब ये दोनों करंट्स की अगर हम बात करें, ये जब दोनों करंट्स यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे जब ये नीचे ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें IEEE की, तो ये क्योंकि इधर आके दोनों करंट्स हमारे पास अगर देखा जाए तो ये एड अप हो जाएंगे, यानी कि जो IEEE है यहाँ पे ये एक्चुअली समीशन होगा I1 प्लस IE2 का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई ये जो IE1 है ये एक्चुअली बराबर होगा हाफ ऑफ IEEE, और IE2 भी हाफ ऑफ IEEE के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। और IEEE को अगर हम रेफर करें तो बाय ओम्स लॉ अगर हम कहें कि VE ओवर RE है, तो यहाँ पे जो VE होगा वोल्टेज वो एक्चुअली हमारे पास होगा डिफरेंस ऑफ VE एंड VEE, बिकॉज यहाँ पे ये सप्लाई भी आ रही है, तो इसके ऊपर वोल्टेज दो तरफ से आ रहा होगा, अप्लाई हो रहा होगा, एक VE आ रहा होगा और एक -VEE आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास IEEE होगा VE-VEE ओवर RE। अब हमारे पास एक जनरल अजम्पशन चल रही होती है कि IC1 और IE, IC और IE नियरली इक्विवेलेंट हैं टू ईच अदर, तो सेम वही अजम्पशन हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं कि भाई IE और IC अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जहाँ IC यूज़ हो रहा है उसकी जगह हम यहाँ पे IE भी यूज़ कर सकते हैं, और इस एजम्पशन की बेस पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि IC1 प्लस IC2 बराबर होगा IEEE के, बिकॉज IE1 प्लस IE2 बराबर था IEEE के। तो क्योंकि IE और IC दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर, जिसकी वजह से हमारे पास IC1 प्लस IC2 बराबर हो जाएगा IEEE के। अगेन एक और चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास सेम होगी वो अगर होगी, क्योंकि सेम ट्रांजिस्टर्स हैं, तो VC1 और VC2 ये दोनों हमारे पास सेम आने चाहिए, बिकॉज वो ट्रांजिस्टर विल हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अगर हम बाय KVL देखते हैं तो VCC-ICRC ये प्रेजेंट करेगा किसको, VC1 और IC2
वीसी टू को। और रही बात वी आउट की, तो ये वी आउट अब हमारे पास आ रहा होगा इस तरह से कि भाई हम अगर वी सी वन और वी सी टू इनका डिफरेंस लेंगे, दैट वुड बी अवर वी आउट। तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर था। यहाँ पे हमने ग्राउंड जो शो करा है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स को, ये सिर्फ इस वजह से करा है सो दैट जो हमारा जो इंटरनल इसका ये पार्ट है विद रेफरेंस टू सप्लाई, वो हम इजीली यहाँ पे डिस्कस कर सकें और उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज दी बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई प्रीवियसली हमारे पास दोनों साइड ग्राउंड थी, तो हमने देख लिया ये वर्क कैसे कर रहा है। नाउ लेट्स कंसिडर फर्स्ट कंडीशन, जहाँ पे हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट दिया जा रहा है। तो हमें याद है कि जब हम इन्वर्टिंग इनपुट देते थे तो वो हम आउटपुट जो प्रोड्यूस करता था वो अपोजिट आता था, 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा होता था। तो अब यहाँ पे इसके रेफरेंस से अगर हम देखते हैं फिगर ए को, तो जब हमारे पास पॉजिटिव पीक यहाँ पे आ रही होगी उस सिनेरियो में, अगर हम यहाँ पे सॉरी उस सिनेरियो में अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें, तो जब हमारे पास पॉजिटिव पीक आएगी तो हमारे पास Q1 जो होगा वो करंट अक्रॉस Q1 इंक्रीज करेगा बिकॉज वो कंडक्शन की तरफ जा रहा होगा। और एट द सेम टाइम हमारे पास जब यहाँ पे कंडक्शन हो रही है तो ऑब्वियस है ये IE1 भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, जब IE1 इंक्रीज कर रहा होगा ये एक्चुअली क्या करेगा, ये हमारे पास IE2 को एट द सेम टाइम IE2 से क्या होगा इंक्रीज कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट IE2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्लाइटली लोअर होगी विद रेफरेंस टू IE1। इसी तरह जब हमारे पास एक फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आ रहा होगा तो हमारे पास ऑब्वियस है कि IC भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यानी कि RC1 के अक्रॉस अगर मैं बात करूँगा वोल्टेज की तो वो भी हमारे पास कंडक्शन की वजह से ड्रॉप होंगे। और ये जो VC1 की वैल्यू है ये क्या करेगी, फॉल करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट है। अब इधर यहाँ पे एक शॉर्ट पाथ आ रहा है जिसकी वजह से जो वोल्टेज पहले यहाँ ड्रॉप हो रहा था वो ड्रॉप नहीं होगा, वो बल्कि आगे चला जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ IE2 की, तो क्योंकि IE2 पे ग्राउंड है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो हम बात करेंगे Q2 की, तो Q2 के ऊपर हमारे पास एज सच कंडक्शन नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो RC2 होगा यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पे होगा ये हमारे पास बहुत कम होगा। और क्योंकि इधर एक ओपन पाथ आ रहा है इस एंड पे, तो यहाँ पे VC2 हमारे पास जो है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा होगा। इट मीन्स हमारे पास इधर वोल्टेज मैक्सिमम होगा पॉजिटिव साइड पे, इधर हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि अब जो हम यहाँ पे वी आउट ले रहे होंगे वो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस था, तो अब जो वी आउट आएगा तो ये वैल्यू मेरे पास अगर देखी जाए तो ये वैल्यू हमारे पास ओवरऑल ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि अगर ये वैल्यू मैं कहता हूँ 2 वोल्ट है तो ये शायद 10 वोल्ट होगी, तो 2 माइनस 10 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास -8 आएगा क्योंकि इस पार्ट को प्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसी तरह जब हमारे पास इनपुट पे नेगेटिव वेव आएगी, एट दिस पॉइंट जब ये नेगेटिव वेव यहाँ पे आएगी ये क्या करेगी,
ये वेव हमारे पास जो IE1 है उसको फॉल कराएगी। जब IE1 की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव पार्ट की वजह से क्या होगी, फॉल कर रही होगी, तो ऑब्वियस है कि IE2 की जो वैल्यू होगी वो इससे एटलीस्ट ग्रेटर होगी, तो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, वर्क करेगी। जब ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो जब मैं बात करूँगा कंडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जगह मैं 0 वोल्ट दे रहा हूँ और एक जगह नेगेटिव दे रहा हूँ, तो ये पाथ फिर भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा, बट ये क्योंकि नेगेटिव में, यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से ये जो VC1 है ये कंप्लीट एक ओपन सर्किट की तरफ जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये पाथ हमारे पास एक ओपन फॉर्म में आ जाएगा, तो ये VC1 हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ एक डिफरेंस हमारे पास जा रहा होता है, जिसकी वजह से क्योंकि ये वाला जो पाथ है, अगर मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ इसके रेफरेंस अगर देखा जाए, यहाँ तो मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, ये पाथ क्योंकि थोड़ा एक्टिव अब नज़र आएगा इस सप्लाई की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। प्रीवियसली ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेटेड था पॉजिटिव सप्लाई की वजह से, तो जो भी सप्लाई थी वो क्या हो रहा था, वहाँ पास इस पाथ को कंडक्टिव बना रही थी और इस पाथ को लेस कंडक्टिव कर रही थी। दिस टाइम हमारे पास क्योंकि यहाँ नेगेटिव सप्लाई आ रही है और यहाँ ग्राउंड है, तो देखा जाए तो ये पाथ फिर भी कंडक्टिव हो सकता है विद रेफरेंस टू VEE, बट दिस पाथ कैन नॉट मे कंडक्टिव, जिसकी वजह से हमारे पास अब जो आउटपुट आ रहा होगा उसमें क्या होगा कि अब हमारे पास आउटपुट पे जब नेगेटिव स्विंग आई, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा आएगा और इधर आएगा वोल्टेज कम, तो वी आउट क्योंकि VC1 माइनस VC2 था, तो अब हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स ये वेव बिल्ट कर जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये इन्वर्टिंग इनपुट हमने क्या किया, एक आउटपुट प्रोड्यूस किया जो कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हुआ विद रेफरेंस टू इनपुट वोल्टेज। अब ये तो हमारे यहाँ पे बात हो गई इन्वर्टिंग इनपुट के हिसाब से, कि इन्वर्टिंग इनपुट था तो हमारे पास आउटपुट क्या हो गया, उसका एम्पलीफाइड तो आया, बट आउटपुट ऑब्वियस है हमारे पास 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करके आया। अब हम क्या करते हैं कि इस Q1 को ग्राउंड कर देते हैं और जो Q2 है इधर से अब हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। Q2 हमारे पास था नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब जब हम Q2 से सप्लाई दे रहे होंगे, तो जब पॉजिटिव सप्लाई आएगी वो क्या करेगी, वो एक्चुअली यहाँ पे जो IE2 है इसको इंक्रीज करेगी, ये पाथ कंडक्टिव हुआ हुआ होगा और ये पाथ लेस कंडक्टिव होगा। अब इसकी वजह से हमारे पास ऑब्वियस है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज था RC2 के अक्रॉस, ये भी इंक्रीज करेगा, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो क्योंकि ये पाथ एक कंडक्टिव पाथ बन चुका है, तो VC2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू VC1, बिकॉज यहाँ पे स्टिल क्या होगा, एक ओपन पाथ होगा, तो जो भी सप्लाई होगी वो सारी VC1 पे आ रही होगी। तो अब क्या होगा कि VC1 माइनस VC2 जो हम यहाँ पे ले रहे थे, तो दिस टाइम VC1 माइनस VC2 के अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो अब इस सिनेरियो में अगर मैं देखूँ तो मैं कहता हूँ लेट से VC1 मेरे पास ओपन सर्किट, अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ कंडक्शन नहीं हो रही, जो भी सप्लाई होगी उसका एक पार्ट यहाँ पे आ रहा होगा, लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है, इधर कंडक्शन हो चुकी है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक कंडक्टिव पाथ आ रहा है, लेस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं कहता हूँ शायद 2 वोल्ट आ रहे होंगे, 8 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास +6 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह जब नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे आएगी, तो ये नेगेटिव सप्लाई क्या करेगी, इस पाथ को लेस कंडक्टिव कर देगी और इस पाथ को मोर कंडक्टिव कर देगी, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई ग्राउंड हुई हुई बट यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो ये तो बिल्कुल ही आपका क्या होगा, एक ओपन सर्किट स्टेट में होगा, बट ये पाथ इसके कंपेरिजन में क्योंकि लेस कह सकते हैं रेजिस्टिव है यहाँ पे, तो इधर फिर भी कंडक्शन पॉसिबल होगी। और अब क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए वोल्टेज को, तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम वोल्टेज का डिफरेंस की बात करेंगे, तो
इधर क्योंकि ओपन सर्किट होगा तो यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम होगा, यानी कि अब यहाँ पे 8 आ रहा होगा और यहाँ पे 2 आ रहा होगा, तो 2 माइनस 8 वोल्ट अगर हम करेंगे तो -6 वोल्ट आउटपुट पे आएगा, जो कि नेगेटिव स्विंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास ऑपरेशन था इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के रेफरेंस से, ठीक है। इसके अंदर यहाँ तक अभी हम इसको लिमिट कर रहे हैं, फर्दर अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, बट अभी तक हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा है।